चांद पर कैसे पहुंचेगा चंद्रयान 3। चांद पर कैसे उतरेगा चंद्रयान 3। चांद पर क्या काम करेगा चंद्रयान 3। भारत के लिए चांद से क्या लेकर आएगा चंद्रयान 3। चौदह जुलाई 2023 दोपहर 2:35 पर भारत के लिए वह पल आया जब भारत का बाहुबली रॉकेट LBM-3M4 आसमान में बादलों को चीरते हुए चंद्रयान 3 को लेकर चांद की तरफ चला। जब रॉकेट को लॉन्च किया गया तो इसकी शुरुआती रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पृथ्वी से चांद की सतह तक पहुंचने में चंद्रयान 3 को किन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए चांद तक पहुंचेगा। आइए जानते हैं विस्तार से। करेक्ट 2:35 पर रॉकेट LBM-3M4 का इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान 3 को हमारा रॉकेट बादलों को चीरते हुए चंद्रयान 3 को लेकर चांद की तरफ चला। और जैसे ही चंद्रयान 3 को लेकर रॉकेट बढ़ रहा था, हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। चंद्रयान 3 के साथ ही हमारी चांद की अगली यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले दोनों बूस्टर रॉकेट स्टार्ट हुए। रॉकेट लॉन्च के 108 सेकंड बाद 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 6437 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। बाहुबली रॉकेट LBM-3M4 चंद्रयान 3 को लेकर चांद की तरफ बढ़ा। रोंगटे खड़े कर देने वाला वो पल, बादलों को चीरते हुए अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए LBM-3M4 अपनी चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ कर चुका था। 130 सेकंड यानी आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो गए और रॉकेट का मेन इंजन स्टार्ट हो गया। बता दे कि रॉकेट को अलग करने का कार्य मशीनों के माध्यम से किया जाता है। दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई थी। दोनों अलग हुए बूस्टर रॉकेट को इसरो के वैज्ञानिकों ने सॉफ्टवेयर की मदद से समुद्र में गिरा दिया और रॉकेट का मेन इंजन चंद्रयान 3 को लेकर आगे बढ़ता रहा। 196 सेकंड पर रॉकेट से दोनों हीट शील्ड अलग हो गई, यानी यान के अगले हिस्से से दोनों शील्ड अलग हो गई। इन शील्ड को इसलिए अलग किया गया है क्योंकि यान 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका था। 307 सेकंड पर रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग हुआ। रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग होने के बाद क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान 3 को लेकर पृथ्वी की कक्षा की तरफ तेजी से बढ़ा। क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 36,968 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई थी और कुछ दूर जाकर क्रायोजेनिक इंजन भी बंद होकर चंद्रयान से अलग हो गया और भारत का चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया और धीरे धीरे अपना ऑर्बिट बढ़ाकर अब चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल की सहायता से इसरो इसको आगे उड़ाएगा। इसरो चंद्रयान 3 को पहले तो कुछ दिन पृथ्वी के चारों ओर घुमाएगा। हर चक्कर पहले से बड़ा होगा, ये सभी चक्कर अंडाकार होंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह सभी चक्कर अंडाकार क्यों होंगे, तो इसका जवाब है कि अगर इसरो चंद्रयान 3 को गोल चक्कर लगाएगा तो वह एक ही जगह घूमता रहेगा, इसलिए अंतरिक्ष में
किसी चीज को दूर या पास भेजने के लिए अंडाकार चक्कर लगाया जाता है। हर चक्कर के पहले चक्कर से थोड़ी दूर पर होगा इस प्रकार इसरो चंद्रयान 3 को धीरे धीरे पृथ्वी से दूर भेजेगा। ऐसे कुछ दिनों बाद चंद्रयान 3 चांद के पास चला जाएगा। चांद तक जाने में इसको 6 दिन का समय लगेगा। जब चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा तो वापस से पृथ्वी वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चंद्रयान 3 को अब चांद की कक्षा में घुमाया जाएगा और धीरे धीरे चांद के पास ले जाया जाएगा। चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद यान 13 दिन तक चांद के चक्कर लगाएगा। चंद्रयान 3 अपने साथ 3 अलग अलग हिस्से लेकर जा रहा है। सबसे पहला उड़ाने वाला हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा हिस्सा उतारने वाला हिस्सा लैंडर मॉड्यूल और आखिरी तीसरा हिस्सा है घूमने घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा रोवर और ऑर्बिटर वाला हिस्सा इस बार नहीं भेजा गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही चांद के चारों ओर घूम रहा है। इसरो इसी का इस्तेमाल करेगा और जैसे ही चंद्रयान 3 चांद के 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाएगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा। लैंडर अब अपनी कक्षा में अपनी स्पीड कम करने की कोशिश करेगा। करीब 40 से 42 दिन बाद लैंडर और रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतर जाएंगे। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग 23 अगस्त की शाम 5:47 पर रखी गई है, लेकिन वहां सूर्योदय की स्थिति को देखते हुए इसमें बदलाव हो सकता है। अगर सूर्योदय में देरी होती है तो इसरो लैंडिंग का समय बढ़ाकर इसे सितंबर में कर सकता है। चांद पर चंद्रयान 3 को उतारना इस मिशन का सबसे कठिन पार्ट में से एक है। चंद्रयान 2 भी इसी समय फेल हुआ था। यह आखिरी 15 इस मिशन के सबसे कठिन मिनट होंगे। इस बार चंद्रयान 3 के लैंड करने के लिए 2 स्थान निश्चित किए गए हैं। अगर एक स्थान पर यह नहीं उतर पाता है तो इसको निश्चित किए गए दूसरे स्थान पर उतारा जाएगा। जैसे ही स्थान निश्चित हो जाएगा उसके बाद चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। जैसे ही चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा उसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों की कमांड पर रोवर लैंडर से बाहर आएगा। उसके बाद चांद की सतह पर चलकर अपने प्रयोग करेगा। इसरो ने एक बार फिर अपने लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। यह अभियान चांद की बनावट को लेकर हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण इजाफा करेगा। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए यह अंतरिक्ष यान अपने साथ कई उपकरणों को ले जा रहा है, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है ताकि चांद के भूकंप को मापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण से चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के अन्य तत्वों को जान सकेंगे। इस पर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल लगे होंगे, जिसकी सहायता से रोवर को चांद की सतह पर ऊर्जा मिलेगी और यह वहां पर चल पाएगा। जानकारी के लिए बता दे कि इस मिशन को, यानी कि रोवर और लैंडर को, 14 अर्थ डेज के मिशन पीरियड के लिए ही इनिशियली डिजाइन किया गया है। हालांकि अगर सब कुछ सही रहा तो 14 दिन बाद इस मिशन को एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए इसरो के पास 14 दिन का ही समय होगा। चंद्रयान 3 भारत के हर भारतीय के सपनों को पूरा करते हुए भारत का इसरो ऊंचाइयों को छू रहा है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक मेहनत का प्रमाण है।
हम उनके उत्साह और प्रतिभा को सलाम करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चंद्रयान 3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर ले। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।